जो छोटे छोटे इनके नेता आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 8 महीने में 4-4 मंजिले कोठियां बन गई। SCPWD के दफ्तर में जाता है, दरवाजे में कुंडी मार और गिलास तोड़ता है, पानी फेंकता है। इंद्रनगर में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। कांग्रेस का एक नेता SCPWD के दफ्तर में जाता है, दरवाजे में कुंडी मारता है और गिलास तोड़ता है, पानी फेंकता है और कहते हैं कि एक SDO के ऑर्डर तुमने मेरी मर्जी के बिना, मेरे से पूछे बिना क्यों कर दिए। ना वो विधायक है, जो वो आदमी है कांग्रेस का, सिर्फ पदाधिकारी है। और उसके पश्चात 1 घंटे तक SCPWD को वहां पर बंधक के रूप में वहां पर बना के रखा। 25 लोग कमरे में घुसे और उनको कहा यहां साइन कर, अगर नहीं करेगा तेरा हम क्या हाल करेंगे, तो तू याद करेगा। बहुत सारी धमकी दी, सारी चीजों को मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूं। और उन्हें जो अपनी कंप्लेंट की उसमें सारा जिक्र किया हुआ, बहुत सारी बातों का जिक्र किया उसमें। और ये स्थिति सरकार की 9 महीने के कार्यकाल में आ गई है। गुंडागर्दी, दादागिरी, अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों के साथ नहीं और चारों तरफ ही तांडव मचा रखा हुआ कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का। और ऐसे में हमने जब मांग की कि इस सारे मामले की FIR दर्ज भी, बहुत ज्यादा बार बार आग्रह करने के बाद, दबाव करने के बाद कि FIR दर्ज नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिरकार FIR दर्ज हुई। और वो मुख्यमंत्री जी के खास आदमी हैं, मैं ये भी बात रिकॉर्ड पे ही लाना चाह रहा हूं। क्या मुख्यमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या इस प्रकार की गतिविधियां और जगह भी हो रही है? हमारे पास रिकॉर्ड है कांग्रेस के 8-9 महीने की इस छोटे से कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आलम यह है। जो छोटे छोटे इनके नेता आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 8 महीने में 4-4 मंजिले कोठियां बन गई। वक्त आने पर वो भी बताएंगे हम। ये प्रदेश आपदा के दौर में से गुजर रहा है। इस लूट को बंद करना होगा भाई, और इस लूट को बंद करने के लिए मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस आपदा की घड़ी में भी लूट मची हुई है, मालूम करिए जरा आप डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सभी जगह ये तंबू किसके किस किस को ऑर्डर हुए हैं। 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के एक एक डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर हुए हैं, और कौन लोग हैं वो पता करिए जरा। आपदा में अवसर, ये है कांग्रेस के लिए हुआ। तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर के मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि ये दौर हमने कभी नहीं देखा जो वर्तमान परिस्थिति हमारे सामने आई है।